कब आए? बस अभी अभी। और ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये कहाँ से लाया तुम? ये तो अम्मा के हाथों का बना हुआ लगता है। हाँ वो देखो तो बिल्कुल अम्मी के हाथ का बना हुआ लगता है। क्या देख रही हो? हाँ कुछ नहीं, बस देख रही हूँ कि इसमें कितनी सारी चीजें डाली हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं है इसमें, बस तुम खाओ। भूख लगी है। भूख? इस वक्त? मैंने कहा भूख लगी है। मैं लेकर आता हूँ। राहिल, ये इस वक्त क्या कर रहा है किचन में तू? अम्मा, अम्मा उसको भूख लग रही है और घर में कुछ भी नहीं है खाने को। मैं बाहर से कुछ लेकर आता हूँ। दिमाग खराब हो गया है उसका, बाहर से लेके आता हूँ। इतनी रात को मैं नहीं जाने दूंगी तुझे। अम्मा वो क्या वो है? बस मैंने कह दिया ना तू नहीं जाएगा। इस वक्त मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगी, मैं खुद बात करती हूँ उससे। हाँ अम्मा। अच्छा बस तू रहने दे। अफशान, अफशान बेटा, वो ना इस वक्त ना राहिल को बाहर ना भेज बेटा, हैं? इलाका बहुत खतरनाक है बेटा। वो पता है कुछ दिन पहले एक साइकिल के लिए ना कुछ लोगों ने एक बंदे को मार दिया था। वो कहीं ऐसा ना हो कि वो मैं सलमा को जगा देती हूँ, बना देती तुम्हें कुछ है। मैं वो जो तुम्हारा दिल चाहता है। अफशा समझे क्या मुझे? सलमा सुल्तान हूँ मैं, सुल्तान सलमा सुल्तान अफशान प्लीज अफशान, मैं जा रहा हूँ इनको छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ। अगर तूने इस बुढ़िया का कहना माना तो मैं इसे गर्दन से मरोड़ के
मार डालूंगा। हाँ सुल्तान भाई, हाँ हाँ प्लीज प्लीज सुल्तान भाई, इन्हें छोड़ दो सुल्तान भाई, प्लीज आप अंदर आओ, अंदर आओ, आप अंदर। ये तो वैसे की वैसे ही है, पुड़िया ने तो इस पर असर ही नहीं किया। हाँ बाबा तो कह रहा था कि आज रात तेज बुखार आएगा और जो कुछ भी अंदर है वो धुआं बन के निकलता रहेगा, लेकिन अब लगता है कि अमल ही करवाना पड़ेगा इस पर। अम्मा अमल? हाँ वो कह रहा था कि अगर पुड़िया ने असर ना किया तो अमल करके निकालूंगा इसका चिन्ह। चला जा खबीस मदाउन, चला जा, तो तू इतना बहादुर हो गया है? अच्छा तू नहीं रह सकता इस जिस्म में, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, चला जा, छोड़ दे इस मासूम को, चला जा, चला जा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तू इतना बहादुर हो गया है, इतना बहादुर हो गया है। तू जाएगा, तू जाएगा, नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। क्या बिगाड़ सकते हैं, क्या बिगाड़ सकते हैं मेरा? जा, तू चला जा। अच्छा अच्छा तो तू इतना बहादुर हो गया है, इतना बहादुर हो गया है, इतना बहादुर हो गया तू, इतना बहादुर हो गया तू, इतना बहादुर हो गया तू, इतना बहादुर हो गया, चला जा, चला जा, जो तू, जो तू, मत मारो। चला जा, चला जा खबीस, अब मत आना, अब इधर मुड़के भी मत देखना, अगर तू इधर आया तो तेरा बहुत बुरा आचर करूंगा, इससे भी बुरा आचर करूंगा। चला जा, चला जा, जोरू जोरू। मुबारक हो बहन, चला गया खबीस, अब इंशाल्लाह कभी नहीं आएगा, इसके हाथ खुलवा दीजिए। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी जान छूट गई इस जिन से। इसको पानी भी पिला दीजिए थोड़ा सा। पानी किस बात का बाबा, इसने कौन सा अच्छे दिन दिखाए हैं हमें मनुष्य? खुद तो चुड़ैल की एक जिन भी ले आई उठा के साथ। अरे पड़ा रहने दे इसे, चल उठ, चल चाय बना चल के बाबा के लिए, उठ जा, चले बाबा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। नहीं जाऊंगा मैं। चला गया तू, तू जाएगा, तू जाएगा, तू जाएगा, मैं आपके मतलब कर दूंगा, तू जाएगा, निकल, बदबخت औरत। तौबा, मैं मेरी से तौबा, मैं आने नहीं करूंगी, नहीं, कहां जाएगी मुझसे बच के? खैर नहीं छोड़ूंगा, तौबा, मेरी तौबा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तौबा, कहां जाएगी, कहां जाएगी मुझसे बच के? खैर पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, मुझे निकालेगी तू? नहीं 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 निकालूंगी, नहीं निकल, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं, इतने भी साबित करा, मुझे माफ कर दो, हार पड़वाती है, आइंदा नहीं करूंगी, आइंदा नहीं करूंगी।
अब माफ कर दें हम लोगों को, हम आइंदा आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, प्लीज। तुम लोगों को माफ कर सकता हूं, लेकिन ये इस बुढ़िया को मैं माफ नहीं करूंगा। ईशा नहीं रह सकती। ये आइंदा कुछ नहीं करेंगी आपके साथ। सुल्तान भाई देखें प्लीज, आप तो सब जानते हैं, सब पता है आपको, इनका कोई नहीं है, कहां जाएंगी ये? मैं कुछ नहीं जानता कि ये कहां जाएगी। अगर ये बुढ़िया कल मुझे इस घर में नजर आई तो मैं इसे तोड़ मरोड़ के फेंक दूंगा। दरवाजा मेरे सामने से पानी लाओ। मुझे तो तू कहीं से जहर ला दे रही, बस यही एक रास्ता रह गया मेरे लिए। अम्मा। हाँ तो और क्या? अरे अरे मैं कहाँ जाऊंगी बता, कौन है मेरा? अम्मा आप कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं। मैं जानती थी, मैं कहती थी कि ये लड़की एक ना एक दिन मुझे इस घर से निकलवा के दम लेगी। उस बेचारी का क्या कसूर है अम्मा, वो तो आपके सामने उफ तक नहीं करती, और आपने दो मर्तबा उसे घर से निकाला था, फिर बेचारी हाथ छोड़कर वापस आई थी, और अब जो कुछ भी कर रहा है वो तो जिन कर रहा है। अरे जो भी कर रहा है, मेरे लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं रही। गजब खुदा का, इससे ज्यादा बेइज्जती की बात क्या होगी राहिल के तेरी माँ बहू के सामने कान पकड़ के खड़ी हो गई। फिर बहू, अम्मा उस बेचारी का क्या कसूर है, उसको तो खुद कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। रहने दे बस तू राहिल। हाँ जाइए, बुला रही हैं आपको। लो आ गया बुलावा, कोई और फरमाइश कर रही होगी, जा जाके सुन ले। अफशान क्या हुआ, क्यों रो रही हो? पता नहीं राहिल, मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है, जैसे लग रहा है कि जैसे किसी ने बहुत मारा है मुझे। हाँ अफशान तुमने मार खाई है। हाँ? बहुत बुरी तरह मार खाई है। क्यों भाई? उस जिन के चक्कर में एक आमिल आया था, उसने तुमको बहुत बुरी तरह मारा पीटा है ताकि वो जिन तुम्हें छोड़कर चला जाए। तो क्या वो जिन चला गया? नहीं, बल्कि उसने अम्मा को घर से जाने के लिए कहा है, अब बैठी रो रही है कि कहाँ जाएंगी। अम्मा मैं जाके देखती हूँ।
नहीं अफशान, तुम आराम करो, मैं तुम्हें पेन किलर देता हूँ। नहीं सलमा, मेरे लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं है। पूरी तरह से वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है और किसी को कुछ नहीं बोलता। तो आप कहाँ जाएंगी अम्मा? चले जाऊंगी कहीं ना कहीं, कोई ना कोई तो रहम खा के रख ही लेगा ना मुझे। तो फिर मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तू कहाँ जाएगी? जवान जहान लड़की को कहाँ लिए लिए फिरूंगी मैं? अम्मा, कोई नहीं जाएगा इस घर से, वरना मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। सलमा, ये क्या सुन रही हूँ मैं? भाभी, काश आप वो सुन पाए जो आप कहती हैं, तो आपको पता चले क्या क्या कुछ नहीं कह जाती। मैं क्या करूं सलमा, क्या करूं मैं? मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, बस ऐसा लगता है कि मैं एक लंबी गहरी नींद में चली जाती और जब उठती हूं तो पता नहीं क्या कुछ कह जाती हूँ, क्या कुछ बोल जाती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे। अफशा, तू मुझे माफ कर दे, मुझसे इज्जत ना छीन। मैं कहाँ जाऊंगी मैं इस बुढ़ापे में? औरत हर उम्र में इतनी मोहताज होती है अम्मा, वो कहीं भी नहीं जा सकती। आपको याद है जब आपने मुझे घर से निकाला था, गेट से बाहर बैठी रही थी शाम तक। तू मुझे अपना इलाज कराने देना अफशा, घर में हर तरफ देख दुख ही दुख, परेशानियां ही परेशानियां। राहिल की हालत देखी तूने, हर वक्त गुमसुम सा रहने लगा है बस। मैंने कब मना किया इलाज से, लेकिन रहीम बता रहा था मुझे, आज फिर आपने किसी से बहुत पिटवाया मुझे। तू ऐसे जाता भी नहीं ना कमबख्त, मैं क्या करती? बस बहन बस, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता उसके साथ। जो कुछ मैंने करना था कर लिया, और बेइज्जत नहीं होना है मुझे उससे। लेकिन बाबा, आपने तो पूरी कीमत वसूल की थी जिन निकालने की, शर्तिया इलाज का वादा किया था मुझसे। उस लड़की पे जिन विन नहीं है, वरना जिन के बाप की क्या मजाल जो मेरे सामने ठहर सके। उल्टा जलील करके रख दिया, मारना शुरू कर दिया उसने मुझे। तो फिर वो सब क्या है बाबा, वो क्या कयामत है जो मेरे घर में आई हुई है? मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? उसका दिमाग खराब है, उसे कोई दिमागी बीमारी मालूम होती है। पागल है वो, पागल। उसका किसी डॉक्टर से इलाज करवाइए। मुझे कुछ भी फील नहीं होता डॉक्टर साहब, सब लोग बाद में बताते हैं कि ऐसा हुआ था।
आपको उस वक्त जो दौरा पड़ता है सबसे ज्यादा बुरी आपको आपके सास लगती है, मालूम आपको? पता नहीं। वैसे आम हालात में आपको कैसी लगती है आपकी सास? मैं बहुत डरती हूँ उनसे, डर डर के रहती हूँ। जो कुछ भी कहती हैं फौरन मान लेती हूँ। उनकी उनकी हर बात पूरी करती हूँ। मैं तो उनके सामने ठीक तरह से बोल भी नहीं सकती। अम्मा, डॉक्टर साहब ने कहा है कि इस पर किसी जिनविन का साया नहीं है। उसको शदीद नफ्सियाती दौरे पड़ते हैं और इन दौरों को रोकने के लिए ज़रूरी है कि अफशा का बहुत ख्याल रखा जाए, उसकी एक एक ख्वाहिश को पूरा किया जाए, वरना ये दौरे और भी शदीद हो सकते हैं। मैंने कहा था ना, ये डॉक्टर लोग ऐसे ही कहते हैं। किसी दिन उसे ला के दिखाओ ना कि जब इस पर जिन आता है तो क्या चीज़ बन जाती है ये। अम्मा, कर लेने में क्या हर्ज है? अगर इस तरह इलाज होता है तो ऐसे ही सही। और अगर आप कुछ दिन मार पीट और डांट डपट ना करें भाभी को तो क्या हुआ? चल चल, कब किया मैंने ऐसा? चाय पीना हराम कर दी कमबख्तों ने। लीजिए जनाब, ये आपका आखिरी कीनो। बस करो, कितने कीनो खिलाओगे? ये क्या कर रही हो? वो मैं रख कर देख रही हूँ ना। एक काम करो, अब मारो। चलो अभी देखना। ये देखो, तुमने गोटी गिरा दी। चलो इसको साइड पे रखो ना, मुझे सिर्फ। चलो उसको वैसे एक बात बताऊं, हिट करना एक मिनट। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। अब ये देखो किस तरह खेलते हैं। देखो यहाँ रखो और ये देखो। देखा, मैंने कहा था ना, अब देखना। क्या कर रही है? ओह शिट, मैंने पहले तुम्हें कहा था। नहीं बस एक बार। नहीं नहीं नहीं, एक सॉरी ना, कह रही हूं। चलो यार, देखता हूँ फिर अब तुम क्या करोगे। चलो एक बात बता दूं, तुम कुछ भी कर लो गोटी नहीं जाएगी। जाएगी। अच्छा चलो, वाह वाह, क्या कहना है आपके गेम का। एक बार यार, तो फिर तुम अकेली खेलती रहो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। थैंक्स। चार, और चार के साथ तुम्हारी ये गोटी गई है। एक दो तीन चार, तो रखो यहाँ। क्या कर रहे हो? यहाँ से ब्रश करो। लाइए जनाब, लाइए। क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है। बस ऐसे ही। अफशा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए फैसलाबाद चली जाओ अपने मैं के। क्यों? ऐसे ही, वो तुम्हारा दिल बहल जाएगा। और अगर वो जिन निकल आया तो क्या करूंगी मैं? अम्मी अब्बा सब लोग कितने परेशान हो जाएंगे ना। हो सकता है ये वहां ना निकले। क्यों, वो वहां क्यों नहीं निकलेगा? वो उसके क्या लगते हैं? वैसे अगर तुम मुझसे बेजार हो गए तो बता दो, मैं। नहीं नहीं पागल, मैं तो तुम्हारी वजह से। तुम ठीक रहो बस। इधर देखो, देखो, मुस्कुराओ मुस्कुराओ। क्या कह रही है? वो नहीं जाएगी ना। तू मुझे अब दूसरों के सामने क्यों जलील कराना चाहता है राही? वो भी उन लोगों के सामने जो तेरी बहन का रिश्ता लेकर आ रहे हैं।
अगर उनके सामने वो जिन घुराने लगा, हुक्म चलाने लगा, खदमतें कराने लगा मुझसे, तो क्या करूँगी मैं? अम्मा, अब उसे कैसे घर से निकालूँ? मेरा रहना भी यहाँ ज़रूरी है, वरना तो मैं लेकर निकल जाता। देख राहिल, अच्छा रिश्ता है, अगर यह हाथ से निकल गया ना तो सारी ज़िंदगी तेरी बहन इसी मोहल्ले में रुलती फिरती रहेगी किसी क्लर्क के घर में। अम्मा अम्मा, वो सब ठीक है, मगर बस मैं बता रही हूँ तुझे, अगर इसने कोई गड़बड़ की ना तो मैं मार लूँगी खुद को, समझा है तू? जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, आजकल वैसे ही होता है वैसे। ये मेरी बेटी है सलमा। बैठो बेटा बैठो। अब मेरी बहू अफशां, राहिल की बीवी। अफशां बेटा इमरान है, ये इमरान की अम्मी है और इमरान के वालिद मंजूर साहब हैं, अखबार में काम करते बेटा। वैसे घर का सारा काम सलमा खुद करती है अपने हाथ से, सिलाई कढ़ाई खाना पकाना सब काम जानती माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। और पढ़ाई वगैरह बेटी? जी बीए किया है सोशियोलॉजी में। माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे क्या प्रोग्राम्स हैं, मास्टर्स करने के? जी वो पढ़ाई लिखाई क्या करनी है, मुलाजमत थोड़ी ही करवानी है हमें, बस घर के काम काज आना चाहिए, सास ससुर और शौहर का ख्याल रखें। औरत तो आजकल हुकूमत चला रही नजमा, और तुम इसे इतना महदूद कर रही हो। आप रहने दें अपनी किताबी बातें, मुझे अपने लिए बहू चाहिए जो घर के काम काज करे, घर को साफ सुथरा रखे, अच्छे अच्छे खाने पकाए, समझदार हो। अब वो मेरे सामने बैठ के तकरीरें करे तो मैं क्या करूँगी, क्यों बहन? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, मेरी बहू भी बिल्कुल ऐसी ही है माशाल्लाह। चुड़ैल! अफशां, घर धो के पीने वाली बहू चाहिए तुझे। तूने कितनी खिदमत की सास की, चल खाना बना के दे, कद्दू का हलवा बना, चल नहीं छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो नहीं छोड़ो। ठीक हूँ मैं। अच्छा बहन अब हम चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, चलिए चलो। तुम चलो मैं आता हूँ। आपने इसका इलाज करवाया कहीं? कोई ऐसा वैसा भाई साहब, डॉक्टर हकीम से लेके आलमों फकीरों तक सब से, लेकिन वैसी की वैसी है ये, हमारी तो जिंदगी बर्बाद करके रख दी इस लड़की ने, हजारों रुपए उठ गए इसके इलाज पर। मगर मैं आपको एक ऐसे आदमी का पता बताता हूँ जो आजकल के डॉक्टरों और आमिलों और फकीरों की तरह लोगों को लूटता नहीं। ये मेरा जिस्म है, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। फकीर नीचे आए और इसे मारे और मारे और जोर से मारे और मारे जोर से, इसके पेट में मारे। मुझे बकरे को दो सौ खून मंगवा दो, मैं चली जाऊंगी। मैं कोई आमिल मुल्ला या पंडित नहीं हूं, मैं लाल शहबाज कलंदर का फकीर हूं। हम जानते हैं। तो फिर फैसला दो। क्या चाहते हो तुम? छोड़ दो इस बच्ची को। हम 7 दिन में छोड़ देंगे। न 7 दिन न 7 मिनट, अभी इसी वक्त फैसला दो। कुरानी आयत के तमाम फकीर नीचे आए और इसे मारे, उस वक्त तक मारते रहे जब तक कि इस बच्ची का पीछा न छोड़ दे। इसे मारे जोर से।
इसके पैर जलाओ, जलाओ इसके पैर, गर्म सलाख इसकी पीठ पर लगाओ, दाग दो इसे। मेरी कमर जल रही है, मेरी गर्दन टूट रही है। तोड़ दो इसकी गर्दन, बहुत अजियत दी है इस बच्ची को। लाशें बात कलंजर का वास्ता है, मुझे छोड़ दो। आइंदा किसी इंसानी जिस्म में तो नहीं जाओगी। मैं लाल शहबाज कलंदर के फकीर से वादा कर रही हूँ, किसी आम मुल्ला या पंडित नहीं। तो छोड़ दो इस बच्ची को। फकीर इसे उठाए। शाबाश, इसके हाथ खोलते हैं, खेचो और खेचो और खेचे। सांसें सांसें बहाल करें इसकी, जल्दी नॉर्मल करें इसकी सांसों को। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप अगर इसे उठाइए, आइए। कल मैं तैयबा पढ़ो बच्चे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह। हे अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह के हुक्म से बच्ची आजाद हो गई है। आप इसे घर ले जाएं, गुसल कराइए और दो रकत शुक्राने के अदा करवाइए। जाओ बच्चे। सलाम साईं, हमने आपका बड़ा नाम सुना है साईं, बड़ी करामत है आपके अमल में, हमारी मुश्किल आसान कर दें। ये बहू है मेरी, और पिछले कई महीनों से ना इसके ऊपर जिन। आप इसके शौहर हैं? जी साईं। इसे आप बाहर ले जाइए। काम हो गया सही? आप इन्हें बाहर ले जाएं। चले, आप रुकिएगा, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। आप ले जाइए इनको बाहर। चलो। जिन बिलाई तो ऐसा कि कमर ही तोड़ डाली। अरे कमबख्त, मेरा एक ही बेटा है, उसकी भी सारी जिंदगी पीरों फकीरों के डेरों पे चक्कर लगाते लगाते गुजर रही है। मुझे तो डर है कि कहीं मेरे बच्चे को ही कोई जिन न चमट जाए। ये जिन नहीं है मेरे भाई। सही, तो फिर? ये जिन से भी बड़ी कोई और बला है, जिसे काबू करने के लिए कुछ और तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जिसके लिए मुझे आपके घर आना होगा। लेकिन साईं, सब ठीक तो हो जाएगा ना? इंशाअल्लाह ताला। लेकिन लेकिन क्या साईं? आपको मेरा साथ देना होगा।
उठ रोटियां पका चल के। तुझसे कह रही हूं उठ रोटियां पका। अरे ऐसे क्या देख रही है मुझे नवाबजादी? क्या तेरे बाप का घर नहीं है क्या? पक्की पकाई मिल जाएगी तुझे। चल उठ रोटियां पका के ला के दे। तेरी ये मजाल बुढ़िया मुझे कह रही है। नहीं नहीं गांव में मौत हो रही है। नहीं रह सकती इस घर में। अफशा नहीं छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। क्या हुआ मम्मी? खुशी पानी ली पानी ली। अब की बार तो ये नहीं छोड़ेगी मुझे। अब के ये जिन रहा मैं तो नहीं रहूंगी इस घर में। या अल्लाह करम कर दे मुझ पे मेरे बच्चे पे करम कर दे परवरदिगार अपना रहम कर दे। क्या हुआ मैं अब के ये जिन ना गया ना तो समझ ले तेरी मौत हो गई। जाएगा कि नहीं? नहीं नहीं जाऊंगा। राहिल इसके पैर में मारो। जोर से मारो। जोर से बता और जोर से मारो। बता जाएगा कि नहीं? चुप मार डालूंगा। चुप मार डालूंगा। देख चला जा वरना तेरे साथ बहुत बुरा होगा। नहीं जाऊंगा। नहीं। देख मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं तुझसे जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं 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 जाऊंगा। मैं कहता हूं चला जा चला जा। जाएगा कि नहीं जाएगा? राहिल इसे तलाक दो। तलाक दो राहिल। मैं कहता हूं इसे तलाक दो। बोल दो कि तुमने इसे तलाक दी। तलाक दो इसे मुझे कि जिन तुम्हें भी चिपट जाएगा। मैं कहता हूं तलाक दो इसे। बोलो कि तुमने इसे तलाक दी। तलाक दो इसे। बोल दो कि तुमने इसे तलाक दी। तलाक दो इसे। मैं तुम्हें रुक जा रही रुक जाओ प्लीज मुझे तलाक मत दो। मुझे तलाक मत दो। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। तेरा शुक्र है मेरे मौला। तेरा शुक्र है परवरदिगार। क्यों क्यों कर रही हो ऐसा? तुम इन बेचारों के साथ ऐसा क्यों कर रही हो तुम? मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गया था। दरअसल सच से पर्दा उठाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा जिसमें मैंने तुम्हारे शौहर से मदद भी ली है। बताओ तुम्हें बताना होगा वरना मैं सबको बता दूंगा कि ये सब ढोंग है। कोई जिनबिन नहीं है तुम्हारे ऊपर। खामोशी हो गई। राहिल जरा जाके देख तो कहीं उस बेचारे का गला तो नहीं दबा दिया उसने। ये लड़की तो आमिलों को पीटती है। नहीं अम्मा आप तसल्ली रखें ये आपके लालची आमिलों जैसा नहीं है। ये कुछ करके ही निकलेगा। मैंने और
राहिल ने लव मैरिज की थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन राहिल की माँ को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे राहिल से बहुत प्यार है, इसी वजह से उसने मुझे अपने पास रख लिया, लेकिन बिल्कुल इसी तरह से जैसे पिछले कई दिनों से मैंने उसे रखा हुआ, बिल्कुल ऐसे ही सलूक करती थी वो मेरे साथ। जब जी जहां फरमाइश करती, जो दिल में आया बोल दिया, हर तरह से उसने मेरी जिंदगी तंग करनी शुरू कर दी थी। मैं ना घर में रह सकती थी, ना घर छोड़ के जा सकती थी। फिर एक दिन मैंने एक फिल्म देखी, उसमें उस लड़की पर जिन आ जाता है, बिल्कुल उसी तरह मैं भी एक जिन लेकर आ गई। मैंने हर तावीज का, हर आमिन का, हर झाड़ फूक कर हर मार का मुकाबला किया मैंने, लेकिन आपकी मार का मुकाबला नहीं कर सकी मैं। इस जिन के हाथों तलाक दिलवाकर बाहर के देवों का मुकाबला नहीं कर सकती मैं, नहीं कर सकती। मुझे माफ करना मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें हमेशा सुखी रखे। क्या क्या बना साईं? नहीं, वो जिन निकलने वाला नहीं है, बल्कि ये अब किसी बीमारी की तरह हमारे माशरे में हर उस लड़की को अपनी लपेट में लेने वाला है जो अफशा की तरह है। अफशा की तरह? क्यों साईं, अफशा कैसी लड़की है? अफशा वो लड़की है राहिल, जिसने एक मर्द की मोहब्बत में अपना सब कुछ छोड़ दिया, मगर उस मर्द ने उसका साथ नहीं दिया। अफशा वो लड़की है जिसने माँ की ठंडी छांव छोड़ दी और सास की आग में जलने चली आई, जिसने बहनों की दोस्ती छोड़ दी और उसे नंद की दुश्मनी मिल गई। अफशा को उसकी चीजें लौटा दीजिए, वो ठीक हो जाएगी, यही उसका इलाज है, सिर्फ और सिर्फ यही इलाज है।